तो आज जा रहे हैं हम दिल्ली की सबसे बड़ी जगह और इस बॉडी बिल्डर को जाने से पहले नींद आ रही और पता नहीं मैंने कितने सालों बाद अपने बाल सेट किए और मेरे बाल सेट किए हैं इस महाराज अपनी तरह इन्होंने मेरे को भी मुर्गा बना दिया। तो फाइनली हमारी कैब आ गई और कैब में बैठ दिल्ली में तुमको जैम ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फाइनली हम पहुंच गए पैसिफिक मॉल, सिक्योरिटी गार्ड का बच्चे तो भाई साहब मसाज भी तुम्हारी यही कर देगा, ये देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे मछली बाजार हो। उसके बाद मैंने एक लड़की को देखा, मेरे को लग रहा था ये फ्री फायर खेल लेती। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद मेरे को 50% ऑफ सेल दी। चेंजिंग रूम में चला, मैंने डिस्को टी शर्ट पहनी, ऐसा लग रहा था मैंने अपने पापा की पहन ली। ट्राई और करते वो लग रहा था मेरे को मैंने अपने चाचा की पहन ली। थोड़ी और आगे बढ़ने के बाद मेरे को आइसक्रीम वाला दिखा जो लोगों को परेशान करता है, एक बच्चे को वो बहुत परेशान कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मजा चखाया जाए। हां भाई तू अब मेरे साथ तोता उड़ो, मैंने उन खेल थ्रू और राउंड में मैंने उसकी आइसक्रीम पकड़ ली। तो फिर उसने मेरे को परेशान किया, मैंने दूसरी बार ही पकड़ ली, हरा दिया। उसके बाद हार वार मान के उसने मेरे को आइसक्रीम दे के बाद मेरे एक फैन मिल गया, मैं इसका नाम भूल गया। उसके बाद मैंने थॉर का हथौड़ा उठा लिया, मेरा स्कोर सबसे ज्यादा चला गया। हां मेरा स्कोर नहीं था, किसी और का था। मॉल से बाहर आ गए, बॉडी बिल्डर ने मेरे को पकड़ लिया और उसने मेरे को इतना मारा ब्लॉक खत्म हो गया बॉय।